हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस ट्यूटोरियल में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में। एमएस एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर पे बात की थी, लेकिन आज हमें पढ़ना है उसके आगे। देखते हैं क्या है। हमने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको दी थी। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा तो वो वीडियो जाके जरूर देख लें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आज हमें पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। हमने आपको बताया था स्प्रेडशीट जो होता है, ये हमारे एमएस एक्सेल का नेम है, चैप्टर का नेम। इसे हम शॉर्ट में जानते हैं किस नाम से? हम जानते हैं इसे एमएस एक्सेल के नाम से, और ये इस नेम से हम इस चैप्टर को जानते हैं कि ये चैप्टर कौन सा है, स्प्रेडशीट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एमएस एक्सेल। तो हमें आज पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। देखते हैं क्या है। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे बताया गया कि स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट अथवा वर्कशीट एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे बताया जा रहा है स्प्रेडशीट अथवा वर्कशीट। स्प्रेडशीट ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट एक्सेल अथवा वर्कशीट, उसे ही हम वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। हाँ, इलेक्ट्रिक रूप से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि लाइट्स विद्युत से ही चलता है, तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक। देखिए आगे, जिसमें डाटा को रो तथा कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है जिसमें डाटा को रो तथा कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। कैसे करते हैं व्यवस्थित, देखते हैं चल के प्रैक्टिकल पे। आगे चलते हैं। प्रत्येक वर्कशीट में 10,48,576 रो तथा 16,384 कॉलम्स होते हैं। अगर आप ये हमारी नोट्स अच्छे से समझ रहे हैं तो आपके लिए इसके जितने भी क्वेश्चंस आ जाएंगे आप उन्हें तुरंत सॉल्व कर लेंगे, अगर आप केवल सही से समझ रहे हैं तो। देखिए यहाँ पे बताया गया कि प्रत्येक प्रत्येक वर्कशीट में 10,48,576 रो तथा 16,384 कॉलम्स होते हैं। बहुत लोगों को यह नहीं पता होता, वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, उन पे मिल जाता ही नहीं। लेकिन अगर आपको हम बता रहे हैं कि आप हमारी नोट्स पढ़ रहे हैं, हमारे एक एक लेक्चर्स देख रहे हैं अच्छे से, तो आपको हम ये बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं से क्वेश्चन आंसर, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, आप तुरंत बता देंगे। यहाँ पे बताया गया कि 10,48,576 रो तथा 16,384 कॉलम्स होते हैं। अब हम इनको चेक कैसे करेंगे कि होते हैं या नहीं, तो देखिए हम सॉफ्टवेयर को अपने ओपन कर रहे हैं। यह हमारा सॉफ्टवेयर, हमें इसमें देखना है कि 10,48,576 हमें रो बताई जा रही और 16,384 कॉलम्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं रो की संख्या कितनी होती है, 10,48,576, और कॉलम की संख्या होती 16,384। देखते हैं होता है या नहीं, फिर ऐसे ही बता दिया गया। देखिए ये जो होती है हमारी हॉरिजेंटल, ये हमारी रो कहलाती हैं, और जो वर्टिकल होती हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी डी, ये हमारे होते हैं कॉलम्स, और यहाँ पे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे होते हैं रोज। रो की संख्या बताई जा रही 10,48,576 होती है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, देखिए चेक करने के लिए हमें कंट्रोल बटन को होल्ड रखना है, उसके बाद आपके पास एरो कीज होंगी, हमें डाउन एरो प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं 10,48,576, आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमें फिर से ऊपर जाना है, क्या करेंगे, कंट्रोल को होल्ड कर देंगे, अप एरो प्रेस कर देंगे हम। आप देख सकते हैं कि एक पे आ गए, फिर से हमने चेक कर लिया कि रो की संख्या 10,48,576 होती है, लेकिन कॉलम की संख्या भी होती है या नहीं, तो चलिए देखते हैं कॉलम की संख्या भी। अब कॉलम की संख्या चेक करने के लिए करना क्या, कंट्रोल को होल्ड करना है और राइट एरो प्रेस कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है एक्स एफ डी, जब जब हम इसे नंबर्स में चेंज करेंगे तो ये आएगा 16,384। आपको विश्वास नहीं हो तो आप खुद ही करके चेक कर लेना एक बार।
नेक्स्ट हमें क्या करना, हमने देख लिया कि हाँ इसमें लिखा है एक्स एफ डी, हम आपको आगे फिर से बताएंगे कि कैसे ये होता है। नेक्स्ट हमें फिर से जाना है ए पे, तो क्या करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करेंगे और लेफ्ट एरो प्रेस कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम फर्स्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे ऊपर एक चीज और बताई गई थी कि ये जिसमें डाटा को रो तथा कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। अब जो डाटा हमारा व्यवस्थित होता बताया जा रहा कि रो तथा कॉलम के रूप में व्यवस्थित होता है। हाँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कॉलम्स हैं ये और ये रोज हैं। तो इनके अंदर कैसे डाटा रखा जाता है हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं, रो तथा कॉलम के कटान बिंदुओं को सेल कहते हैं। अब यहां पे यह बताया जा रहा, रो तथा कॉलम के कटान बिंदुओं को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये हमारी पहली कॉलम है, दूसरी कॉलम है और इधर से पहली रो दूसरी रो। अब जैसे यहां पे इसको काटा गया, इसके चार पॉइंट्स मिल गए, आप यहां पे देख सकते हो, उसको छोड़ दीजिए, आप आइए इस पे। हमने जिस पे क्लिक किया आप यहां पे देख सकते हैं कि ये कहां से दोनों तरफ से कटा रो तथा कॉलम से। अब बताया गया कि रो तथा कॉलम के कटान बिंदुओं को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जो सेल कहते हैं वो यही होता है आप जिसे देख रहे हो कि जिसकी बॉर्डर दिख रही ब्लैक कलर की, ये हमारी एक सेल कहलाती है। आप देख सकते हैं हम जैसे बाहर क्लिक कर रहे हैं, ये हमारी सेल्स हैं। अभी इसी में जो भी डाटा हमें रखना है इन्हीं सेल के अंदर रखना है। अब यहां पे बहुत सारी सेल्स होती हैं। नेक्स्ट इन सेलों में नंबर फार्मूला तथा टेक्स्ट डेट टाइम को रख सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि इन सेलों में हमें एक जैसे नंबर कोई रखना हो, कोई फार्मूला यूज करना हो, क्योंकि हम जो भी एक्सेल में काम करते हैं फार्मूले के माध्यम से करते हैं। हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे फार्मूला इसमें यूज करते हैं और क्या क्या हमारे काम के हो सकते हैं। देखिए तथा टेक्स्ट, किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को रखना हो, डेट को रखना हो, टाइम को रखना हो, तो हम उसमें रख सकते, किसमें, सेलों पे। अब जैसे हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, हम जैसे लिख रहे हैं लर्न कंप्यूटर आईटी, हमने यहां पे लिख दिया लर्न कंप्यूटर आईटी। आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने लिख दिया, यहां पे लिख दिया। कोई नंबर्स रखने हैं, जैसे हमने ये रख दिया, आप यहां पे देख सकते हैं ये हमारे नंबर्स रखे जा रहे हैं, रख गए नंबर्स। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, देखिए फार्मूला एक समीकरण है। बताया गया है कि फार्मूला जो होता है एक समीकरण है जो प्रदर्शित की गई वैल्यू को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। क्या करता है, कैलकुलेट करता है। एक्सेल में फार्मूला हमेशा इक्वल टू से प्रारंभ होता है। यहाँ पे बताया गया जो फार्मूला होता है यह एक समीकरण है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करनी हो तो हम फार्मूला यूज कर देते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हम ए की वैल्यू देते हैं, उसे बी की वैल्यू देते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं जो आउटपुट आता है, बस उसी के माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से आउटपुट निकाल आता है। तो उसी तरह हमें इसमें भी करना है, जो भी काम करना है इसमें फार्मूला लगाना, फार्मूला यूज करना है। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्सेल में जब भी हम फार्मूला लगाएंगे तो वो हमारा सबसे पहले उस फार्मूले के आगे इक्वल टू लगाना जरूरी है। अगर हम इक्वल टू का यूज नहीं करेंगे तो ये फार्मूला हमारा गलत माना जाएगा, चलेगा ही नहीं इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वल टू लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एक्सेल में। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा ओपनिंग ऑफ स्प्रेड शीट। अब स्प्रेड शीट को ओपन कैसे करते हैं, देखिए स्प्रेड शीट को ओपन करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला देखते हैं इसमें क्या है। स्प्रेड शीट को ओपन करने के लिए निम्न स्टेप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा कि हमें स्प्रेडशीट या एक्सेल को ओपन करने के लिए निम्न स्टेप का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से स्टेप हैं, फर्स्ट स्टार्ट बटन, हमें कहाँ पे जाना है, स्टार्ट बटन। हमारे कीबोर्ड पे एक बटन होती है जिसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं और एक हमारे सिस्टम में होती है डेस्कटॉप में। अब हम आपको दिखा रहे हैं कौन सी डेस्कटॉप की स्टार्ट बटन होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बटन दिख रही है, हमने जिस पे ऊपर कर्सर रखा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्ट लिखा है, यही होती है हमारी स्टार्ट बटन। नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद आल प्रोग्राम,
हमें ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा, हमें स्टार्ट बटन के अंदर जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। देखते हैं ऑल प्रोग्राम आ रहा कि नहीं। हमने किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी अगर विंडो 11 होगी तो इसमें दिए हैं ऑल ऐप्स, अगर आपकी 7 या 10 होगी तो उसमें दिया होगा ऑल प्रोग्राम्स। हम आप देख रहे हैं कि हमारे पे क्या दिया है ऑल ऐप्स, इस पे हमें करना है क्लिक नेक्स्ट। फिर से देखते हैं आगे क्या बताया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद हमें मिलेगा एक ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, अब देखते हैं है या नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चलिए फिर से करते हैं, स्टार्ट बटन पे गए ऑल एप्स, उसके बाद यहाँ पे हमें ढूंढना है कहीं पे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। हमने जैसे ही क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो हमारे ऑफिस के सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं वो ओपन हो गए। इसके बाद क्या करना हमें, इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। अगर आपके सिस्टम में 2007 है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो वैसा ही काम होता है इसमें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि हमें MS Excel 2010 के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जिससे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। आपको एक प्रोसेस हमने बता दी सॉफ्टवेयर कैसे ओपन होता है, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके रन कमांड, स्टार्ट बटन। अब हम कीबोर्ड वाले की स्टार्ट बटन की बात कर रहे हैं, जो हमारे कीबोर्ड पे स्टार्ट बटन होती है उसमें आप गौर से देखना विंडो, जो स्क्रीन पे विंडो ओपन होती है उसी तरह का सेम लोगो बना होता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके रन कमांड विंडो प्लस आर, रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं विंडो प्लस आर, विंडो की हमें प्रेस करना है, ये जिसे हम कहते हैं स्टार्ट बटन वही होती है हमारी विंडो बटन, हमें उसको प्रेस करना, उसके बाद आर प्रेस कर देंगे हमारा डायलॉग बॉक्स रन कमांड का ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक्सेल टाइप करेंगे, जैसे हम उस पर टाइप क्लिक कर देंगे विंडो प्लस आर तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके बाद हमें करना क्या है, वहां पे हमें एक्सेल टाइप करना EXCEL, एक्सेल टाइप करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा कि हमें एक्सेल को ओपन करना है तो क्या करना है, विंडो प्लस आर प्रेस करना, उसके बाद एक्सेल टाइप करना रन कमांड की विंडो पे और इंटर कर देना, हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखते हैं ओपन होता है या नहीं। हमने किया विंडो प्लस आर, नेक्स्ट हमारे पास आया रन कमांड की विंडो डायलॉग बॉक्स, इसमें हमें टाइप करना है एक्सेल, हमने टाइप किया एक्सेल और किया इंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल हमारा ओपन हो चुका है। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अपने दोस्तों तक चैनल को नहीं शेयर किया तो जरूर शेयर कर दें, वो भी पढ़ सके हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं कंप्यूटर के, वो भी हिंदी में। आपको ये नोट्स चाहिए MS Excel की जिससे हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे जिससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।